तो दोस्तों हर किसी के घर में LIC का जीवन बीमा जरूर से जरूर कराया हुआ है। अगर आपने या आपके घर में नहीं कराया हुआ है तो आप जरूर से जरूर LIC का बीमा करवा लीजिए। अब अगर आप छोटे हैं तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, उनको मालूम होगा कि LIC का जीवन बीमा किया हुआ है कि नहीं है। बहुत बार जिस तरह से लॉकडाउन में देखा गया है कि LIC का प्रीमियम पे करने के लिए उन्हें एजेंट के पास जाना पड़ता है या उन्हें ऑफिस में जाना पड़ता है और फिजिकली वहाँ लाइन में लग करके पैसे जमा कराने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से LIC का आप ऑनलाइन बीमा जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन LIC का प्रीमियम भर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा बहुत ही इजी फॉर्म में। अगर आप छोटे हैं तो आप अपने पापा से पूछ करके डायरेक्टली घर बैठे ऑनलाइन जिस तरह से आप DTH मोबाइल का रिचार्ज करते हैं उस तरह से LIC का प्रीमियम भर सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्योंकि मैं आज अपना प्रीमियम भरने जा रहा हूँ इसलिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर दिखा दे रहा हूँ। तीन चार तरीके मैं आपको इस वीडियो में पूरा कवर अप करूँगा। तो हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है, वहाँ विजिट करिए क्योंकि अभी सुपर सेल चालू होने वाला है फ्लिपकार्ट अमेजन का, पूरा लेटेस्ट डिटेल मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चार जो तरीका है जिससे कि आप आसानी से LIC का प्रीमियम भर सकते हैं। अच्छा, आपको अगर LIC खरीदना है तो भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं LIC की वेबसाइट से। LIC की ऐप भी आती है LIC कस्टमर नाम से। तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे LIC India.in आ जाएगा आपके सामने। इसको ओपन करेंगे तो ये LIC की वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे LIC की चीज़ें हैं, हिंदी इंग्लिश सब में उपलब्ध है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये सारा चीज़ है। यहाँ पे आप तीन डॉट पे क्लिक करेंगे तो प्रीमियम पे करने का, देखिए यहाँ प्रीमियम भुगतान लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना ऑप्शन चूज करके यहाँ आराम से आप भर सकते हैं। वैकल्पिक चैनल चुने किस तरह से है, यहाँ पर प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। यहीं से ही आप अपना प्रीमियम खरीद भी सकते हैं LIC अपने लिए। तो ये सारा चीज़ है। यहाँ पे आप जाने के बाद आप सीधा यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस है थोड़ा लंबा। मैं आपको बताता हूँ इससे भी ईजी तरीका LIC का प्रीमियम भर करने का। अब दोस्तों मेरे पास है तीन इक्के, मतलब कि ये तीन ऐप से आपको जो चॉइस लगे आप उससे पेमेंट कर दीजिएगा। तीनों को मैं बारी बारी से आपको समझा देता हूँ ताकि आइडिया आपको मिल जाए, जो इसमें से आपको आसानी लगे अच्छा लगे वहीं से आप प्रीमियम भर दीजिए। तो सबसे पहले सबसे आसान से चालू करते हैं। जो सबसे आसान है वो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको ताकि आप अच्छे से जान लें। मोबाइल को फ्लैट कर लीजिए, 480 पिक्सल पे देखिए ताकि साफ साफ नजर आए आपको। तो सबसे पहले जो सबसे आसान है वो है फोन पे। अगर आपने फोन पे नहीं इंस्टॉल कर रखा है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कर लीजिए आराम से। कुछ नहीं है, बैंक अकाउंट ऐड करना है, मोबाइल नंबर जो आपका बैंक में रजिस्टर्ड है वो मोबाइल में लगा करके ही OTP आएगा आपके बैंक अकाउंट पे। तो इस तरह से आप रजिस्टर कर लीजिए, कहीं भी गूगल करेंगे आपको प्रोसेस पता चल जाएगा। और ज़्यादातर का मोबाइल में ये रहता है इसलिए मैं ज़्यादा और समझाऊंगा नहीं। तो सबसे पहले ये फोन पे को आप ओपन करें। ओपन करते के साथ ये तगड़म बगड़म बहुत सारा चीज़ दिखेगा, ये सारा चीज़ नहीं देखना है चूंकि आप LIC का पेमेंट करने जा रहे हैं। छोटे समय में आपको और बता देता हूँ, मोबाइल DTH इलेक्ट्रिसिटी सारा पेमेंट आप यहाँ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट भी, लेकिन आपको करना है LIC का पेमेंट। तो आप देखिए नीचे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट में LIC पर इंश्योरेंस है, यहाँ पे जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको LIC करना जाए। यहाँ पे LIC पे क्लिक करने के बाद यहाँ पॉलिसी नंबर डालना है और यहाँ ईमेल ID डालना है। ईमेल ID आप अपना डाल सकते हैं, पॉलिसी नंबर आप अपना, क्लाइंट का, पापा का, किसका भी होगा उसका डाल सकते हैं। यानी अगर पापा का भर रहे हैं तो पापा का डालिए, मम्मी का भर रहे हैं मम्मी का डालिए, अगर आप इंश्योरेंस एजेंट है किसी क्लाइंट का भर रहे हैं तो यहाँ पर पॉलिसी नंबर डालिए, यहाँ अपना ईमेल डाल दीजिए ताकि रिसीप्ट आपके नंबर पर आ जाए। अगर आपको चाहिए जिस नंबर पर मतलब इसका आपको बिल चाहिए उस नंबर का ईमेल ID यहाँ पर डाल दीजिए। ये जरूरी नहीं कि LIC में जो रजिस्टर्ड है वही ईमेल आप यहाँ डालेंगे तो वो लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पॉलिसी नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर आप डाल दीजिए उसका ईमेल ID। तो चलिए मैं आपको डाल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ कन्फर्म पे नीचे क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही आप कन्फर्म करते हैं उसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखता हुआ नजर आएगा। देखिए ऊपर पॉलिसी नंबर है, मैंने मिटा दिया है अपना पॉलिसी नंबर। नीचे आप देखिए कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद पॉलिसी नंबर है, ड्यू डेट लिखा हुआ है कहाँ से कहाँ तक ड्यू है, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, ये अमाउंट मुझे पेमेंट करना है। अगर कुछ चार्जेस वगैरह अगर लग रहा है मुझे, अगर पेनाल्टी वगैरह लग रहा है और वो ये पेनाल्टी इसमें ऐड नहीं किया है तो समझ लीजिए वो जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जब अगली बार भरेंगे हम तो उसमें ये पेनाल्टी LIC वाला ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, तो अगली बार मेरा पेनाल्टी कटेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधे पे बिल का ऑप्शन है। पे बिल में यहाँ पे भीम UPI का यहाँ पे फोनपे में लिंक कर रखा है तो सिंपली मैं पे बिल करूँगा और UPI के थ्रू पेमेंट कर दूंगा। अगर आपके पास ATM से पेमेंट करना चाहते हैं दाहिना साइड में यहाँ ATM डेबिट कार्ड लिखा हुआ है, ATM कार्ड को ही डेबिट कार्ड बोलते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अपना ATM कार्ड का सारा डिटेल भर दीजिए, मोबाइल में OTP आएगा और उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा। कोई भी कार्ड डिटेल ये सब शेयर ना करें, OTP पिन वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें, ये भी बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं। तो इस तरह से आप सिंपली यहाँ पे बिल करके पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे बिल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको UPI के थ्रू पेमेंट करने का ये पिन कोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ अपना पिन कोड डाल करके टिक मार दीजिए, ये वाला टिक यहाँ पे कर दीजिए, सही पिन कोड डालिएगा, एक बार में पेमेंट हो जाएगा आपको। तो इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं फोनपे से LIC का। अब दूसरा जो तरीका है वो पेटीएम से है। पेटीएम से पेमेंट करने के लिए खोलना है, उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। नीचे सो मोर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए राइट साइड में लोन और इंश्योरेंस होगा, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर में इंश्योरेंस पे क्लिक करिए, यहाँ पे फिर क्लिक करने के बाद आपको LIC चुनना पड़ेगा। LIC चुनने के बाद आपको अपना पॉलिसी नंबर डालना है और उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। पॉलिसी नंबर डाल करके प्रोसीड करिएगा, डिटेल आएगा उसी तरह से सेम फोन पे टाइप का, कितना पैसा आपको देना है और फिर प्रोसीड करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद का रिकॉर्डिंग लेता नहीं है, काला स्क्रीन आएगा इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि पेटीएम इसके बाद से काला स्क्रीन कर देता है। जैसे मैं आपको टिप कर दिखाता हूँ, अभी ऐसे है, देखिए अभी खुल रहा है, शायद स्क्रीन आपका काला हो गया होगा। जैसे ही आप इसके आगे क्लिक करेंगे पे एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस प्रीमियम पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस नेम LIC को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद पॉलिसी नंबर डालिए और गेट प्रीमियम पे क्लिक कर दीजिए, सारा डिटेल आ जाएगा और बस पेमेंट कर देना है आपको। तो इस तरह से मेरे मुंह से भी स्टेप को फॉलो करेंगे तो पेटीएम से पेमेंट कर लीजिएगा। अब तीसरा जो तरीका है वो अमेज़न से पेमेंट करने का है। आजकल 50 रुपये कैशबैक दे रहा है तो मैं इसी से पेमेंट करता हूँ। तो ये अमेज़न आ गया, अमेज़न पे क्लिक करेंगे आप, देखिए यहाँ पे अमेज़न पे का नाम है, यहाँ पे आपको अमेज़न पे में जाना है। अमेज़न में काफ़ी सारे ऑफर चलते रहते हैं, प्राइम मेंबर हैं आप तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है।
तो आपको सिंपली यहाँ पे अमेज़न पे पर क्लिक करना है। हमने अमेज़न के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जिसमें अमेज़न प्राइम बेनिफिट्स करके, उसको आप जरूर देखिए। तो इसका सेल भी चालू होने वाला है, तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारा ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ हमारा अमेज़न का ग्रेट इंडियन सेल का वीडियो भी देख लीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस बार सेल में आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा और साथ ही साथ मैं बीच बीच में अपने वीडियो से आपको बताते रहूँगा कौन सो कैसे कैसे शॉपिंग करना है स्मार्ट। तो सबसे पहले अमेज़न पे पर आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपने अमेज़न पे पर UPI लिंक कर लिया तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप क्लिक करके इसका UPI लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेम उसी तरह का बहुत सारा है, रिचार्ज, DTH रिचार्ज, सारा कुछ कर सकते हैं अमेज़न पे से, सेंड मनी वगैरह UPI के थ्रू कर सकते हैं। अब आपको इसमें करना क्या है, LIC का पेमेंट करना है, तो नीचे देखिए बस टिकट वगैरह सारा कुछ है, आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है जिसमें कि इंश्योरेंस प्रीमियम है। यहाँ ध्यान से देखिए छतरी बना हुआ है, 5 लोग खड़े हैं वो है, नीचे जाइएगा तो एक बैनर भी शो करते रहेगा। क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट, LIC का बिल पेमेंट, इसमें से भी आप बड़ा वाला चुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको छोटा वाला बता देना चाहता हूँ। देखिए LPG गैस सिलेंडर भी आप इसे बुक कर सकते हैं, तो ये मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए यहाँ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और LIC को चुनना है। तो जैसे ही आप LIC को चुनते हैं तो यहाँ आपको पॉलिसी नंबर देना है, यहाँ आपका ईमेल आईडी देना है और यहाँ फेच प्रीमियम करना है। जैसे ही फेच प्रीमियम करेंगे प्रीमियम का पूरा डिटेल आ जाएगा कि कितना भरना है, कब से ड्यू है, टोटल कितना प्रीमियम आपको पेमेंट करना है। यहाँ देखिए पॉलिसी नंबर आप डाल दीजिए जिसका भी आप भरना चाहते हैं, मम्मी पापा खुद का, या आप एजेंट है तो किसी और क्लाइंट का, तो वो आप डाल दीजिए। डिटेल भी आपको उसका ले सकते हैं कि आपको कब से कब तक मालूम नहीं है, तो भी आप इसका डिटेल यहाँ, ईमेल आईडी आप अपना दे सकते हैं। अगर आप एजेंट है तो आप क्लाइंट का दे सकते हैं, अगर आप खुद का भर रहे हैं तो आप खुद का ही डालिए, अगर आप एजेंट है तो भी आप क्लाइंट का डालिए ताकि उसको चला जाए। आप अपने अपने पे भी आप रिसिप्ट मंगवाना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं और फ्रेश प्रीमियम पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसमें अपना पॉलिसी नंबर, ईमेल आईडी डाल के कंटिन्यू करेंगे तो आपको इस तरह से शो करेगा, सिंपली कंटिन्यू टू पे कर देना है आपको। ये पेमेंट आप अमेज़न का UPI से, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कंटिन्यू टू पे जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ अमेज़न पे UPI का ऑप्शन आया है। अगर आप UPI अमेज़न का रजिस्टर नहीं है तो मैं लिंक दे देता हूँ वहाँ डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके आप अमेज़न ऐप से ही कीजिए, अगर जगह से जाकर नहीं कर लीजिएगा, अमेज़न ऐप के थ्रू ही UPI रजिस्टर कीजिए। तो सिंपली आपको UPI का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ आपका अमेज़न पे बैलेंस पड़ा हुआ है तो उस पर क्लिक कर लीजिए, वो माइनस हो जाएगा, बाकी का आप 665 रुपया जैसे मेरा दिखा रहा है उतना पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही UPI से पेमेंट करूँगा प्रोसीड टू पे करूँगा, तो UPI का मुझे पिन कोड डालना रहेगा। तो इस तरह से आप UPI का यहाँ पे अपना पिन कोड डाल दीजिए और यहाँ टिक कर दीजिए। याद रखिए अपना UPI का पिन किसी और आदमी के साथ शेयर ना करिए, कभी किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो आपका पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुल और उसके बाद आपका LIC का प्रीमियम भर जाएगा। 5 से 10 मिनट के बाद आपको मैसेज आ जाएगा, नहीं तो ईमेल आ जाएगा और कन्फर्मेशन भी आ जाएगा आपको ऐप में कि आपका सक्सेसफुली हो गया है। तो ये मैंने भर दिया है, उसके बाद इस तरह से अमेज़न की तरफ से मेरा मैसेज यहाँ पे शो कर दिया ऐप में ही। अब मैं आपको ईमेल में दिखाता हूँ, ईमेल भी मेरा 1 मिनट के अंदर आ गया। तो इस तरह से ईमेल भी आ चुका है, देख सकते हैं आप, यहाँ सक्सेसफुल का मैसेज है अमेज़न की तरफ से। यहाँ पे मेरा पॉलिसी नंबर दिया हुआ था जिसको कि मैंने ऐसे इरेज कर दिया है, यहाँ ऑर्डर आईडी दिया हुआ था इसको भी मैंने थोड़ा यहाँ पे इरेज किया हुआ है, मतलब हटा दिया है। और यहाँ पे ऑपरेटर रेफरेंस नंबर है जो LIC का, अगर आपको लगता है कि नहीं फुलफिल हुआ है तो आप LIC में ये रेफरेंस नंबर दे करके, ऑर्डर आईडी दे करके वहाँ वेरीफाई कर सकते हैं LIC का ब्रांच ऑफिस में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आशा है आप, हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारा चीज़ दिखा दिया हमने आपको।